आप देख रहे हैं अपना समाचार। शुरू हुआ है, आज उसकी शुरुआत हुई है। काफ़ी खिलाड़ियों को अपने अपने टीम में शामिल करने की पहल की गई है, क्या करना चाहिए? यही चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री की बड़ी प्राउड की बात है कि आज ये IPL के माध्यम से हमारी इंडस्ट्री का नाम रोशन हो रहा है। आज पूरी दुनिया से बाहर इसको मकाम मिल रहा है। सब लोग जानते हैं कि भोजपुरी की एक टीम है, भोजपुरी वाले इस तरह के मैच खेलते हैं और इतने अद्भुत प्लेयर्स हैं इसमें। जब भी इन्होंने CCL खेला है, IPL खेला है, तो वो जलवा दिखाया है कि सब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग्स हैं उनको सोचने को मजबूर करती है। मुझे लगता है बड़े प्राउड की बात हुई है हम सब के लिए। आप कौन से किस टीम को सपोर्ट करते हैं? मेरी सारी टीम अपनी है। हमारी टीम क्या है, मतलब ये पूरी टीम इंडस्ट्री की है, वो तो कहने के लिए थोड़ा सा ये है कि इस टीम को ये खरीदना है ये। और आज तो फिलहाल तीसरे सीजन की शुरुआत है, अभी तो चयन भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है और प्लेयर इसमें है। हम सबके साथ हैं, मानसिक तौर पर सबके साथ हैं, आंतरिक तौर पर सबके साथ हैं। तो शरीर या तो उस टेबल पर बैठ जाए या इस टेबल पर बैठ जाए, क्या हो सकता है। सब टीम अपनी है, पूरी इंडस्ट्री अपनी है। हम व्यक्तिगत तौर पर मैं कभी क्रिकेट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं रहा, मुझे खेलने भी नहीं आता है। बाकी और जिसमें बॉडी पावर की ज़रूरत पड़ती है, कबड्डी, फुटबॉल भी थोड़ा खेल लेता है, क्रिकेट कभी नहीं खेला। लेकिन क्रिकेट मुझे लगता है कि हमारा CCL जब से भोजपुरी वालों ने अपना लॉन्च किया है, दिनेश जी, बाकी जी, मनोज जी, रवि जी, इन लोगों ने शुरुआत किया था, परेश्वर यादव, हमारे यहाँ के प्लेयर्स को देख करके थोड़ा जज्बा बढ़ा था क्रिकेट, बस देखना शुरू किया और अच्छा लगता है। हमारे लोग में इतना हुनर है कि अभिनेता के साथ साथ एक बड़े अच्छे खिलाड़ी भी। फिल्मों की बात की जाए तो आपकी जो फिल्में आ रही हैं, संघर्ष जैसी फिल्म आई है, तो आगे क्या कहना चाहेंगे? फिल्म तो है, वो क्या कहूँ, बहुत सालों बाद, 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन चंद 2-3 साल से एज एन एक्टर, जब से चरित्र नेता का मेरे ऊपर टोपी रखा गया है, तब से मुझे लगता है कि जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। सच में काम करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके का कैरेक्टर, अलग तरीके का इमोशंस सब है आज के इस चीज़ में। और सिनेमा का केंद्र बिंदु होता है, जो मेरी किस्मत में जो रोल आते हैं, एक एक्टर के लिए और क्या चाहिए, एक अच्छा किरदार हो, एक अच्छी बड़ी फिल्म हो जो सक्सेस भी हो जाए। किस्मत भी बड़ी अच्छी थी मेहदी ला के रखना से लेकर सिंगर्स तक, जिस फिल्मों में मैंने चरित्र अभिनेता का रोल प्ले किया है, फिल्म बड़ी सक्सेस रही है। एक एक्टर के लिए इससे बड़ी प्राउड की बात किया।